वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं तस्मान जीनू। सो चलिए गाने सुनते हैं पिया पिया कॉलिंग। एंड ये गाने हैं कोको स्टूडियो पाकिस्तान, ये यूट्यूब चैनल पे रिलीज हुआ है सीजन 15 का एक गाने हैं पिया पिया कॉलिंग। एंड ये गाने का सिंगर है करपे कैफी खलील, अमेंदा डेलारा एंड साथ में है जुल्फी। सो चलिए एक साथ सुनते हैं। ये एक क्विक स्टाइल गाने हैं। सो चलिए, ये फर्स्ट टाइम मैंने कोई गाने सुनने जो क्विक स्टाइल में है, तो चलिए देखते हैं। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही बंदा को पहचानती हूँ जो है कैफी खलील, वो सिंगर को मैं पहचानती हूँ। एंड उनके बाद मतलब करपे अमांडा डेलारा एंड जुल्फी, उन लोगों का मैंने कभी गाने नहीं सुने, तो अभी ये फर्स्ट टाइम पिया पिया कॉलिंग सुनूंगी। सो चलिए एक साथ सुनते हैं। सो गाइस लेट्स प्ले कोक स्टूडियो सीजन 15। श्रावण गुजरे तुझ बिन कर बिना एक नॉर्वे का लैंग्वेज है। ये मस्त है, ये मस्त है। ये कौन सी लैंग्वेज भाई? अच्छा नॉर्वे का लैंग्वेज है। ये है जुल्फी। अभी अरबियन टाइप आ गया, अरबियन लैंग्वेज। ये तो बहुत दीदार को तरसते हैं, तेरी तस्वीर को लगा के गले, तेरी महफिल से हम निकलते हैं। क्या तुझे याद है तेरा दीवाना, तुम इश्किया नहीं पहचाना, इस गम का नहीं कोई हर जाना, तुझे आना नहीं अब ये जाना। कैसा तूने यार बनाया, ओ हो हो, मद दर्द तो दिलारा। ये बलूची लैंग्वेज खत्म। भाई 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 चमका दिया, बहुत ही अच्छा गाना था। भाई
नाच रहे हैं, ताली बजा के। ओ हो, अभी तो पता दिया। ओ माय गॉड, जितना बार आप लोग सुनोगे ना, मतलब कि अलग लेवल का वाइब मिलेगा। ये गाना ऐसा ऐसे में बनाए, बहुत ही अच्छा वीक स्टाइल हो, जो भी हो भाई, एकदम की चमका दिया पिया कॉलिंग ने, एंड दिल धड़का दिया ये गाने सुन के। एंड लास्ट में जो पार्ट था ना, देखो लास्ट में जो सब सिंगर मिलके जो जिस तरीके से मजा करके तालियां बजा के एकदम से खूब डांस किया, वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा पिया कॉलिंग कॉलिंग करके। एंड यहाँ पे जो सिंगर थे कैफी खलील करपे एंड अमनदर लेलाड़ा और जो जूफी, इन सब लोगों से मैं सिर्फ एक ही बंदा को पहचानती थी, कैफी खलील की, क्योंकि उनका गाना था कहानी सुना 2.0, वहाँ से मैं पहचानती थी। फिर उनका गाना आया जुर्माना, फिर मनसूब गाने आया था, तो उनका हर गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो मुझे ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान में कैफी खलील का गाना या पिया पिया कॉलिंग, तो मुझे लगा कि चलो सुन दे, इतना अच्छा सॉन्ग, जो सॉन्ग में आपको मतलब कि पूरा एक मेलोडियस एक आपको वाइब देगा। एंड जो गाने में नॉर्वे का जो लैंग्वेज है वो, एंड बलूची लैंग्वेज, पाकिस्तान पाकिस्तानी जो मैंने मतलब कि अरबियन लैंग्वेज की, एंड गुजराती, मतलब कि क्या बताऊँ मैं, मतलब बहुत खूब सारा लैंग्वेज यहाँ पे एक साथ मिक्सिंग करके गाने बनाया, जो ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छा हुआ है भाई। एंड यहाँ पे जो जो सिंगर है, मैंने सोचा कि चलो ये सब सिंगर का मैं पहचान लेती हूँ, तो मैंने सर्च किया करपे जो है, जो था हाँ करपे, जो टूपी वाला था वो करपे, नॉर्वे का एक रैप ग्रुप में वो गाना गाते हैं एंड हिप हॉप गाना गाते हैं, एंड उन वो नॉर्वे का है, एंड उन्होंने जो पार्ट गाया है एक उर्दू थोड़ा सा गाया है, एंड साथ में नॉर्वे का कुछ लैंग्वेज था यहाँ पे उनका पार्ट। फिर मैंने जुल्फी जो है थोड़ा सा ब्लू टाइप का एक जैकेट जैसा पहना था, एंड वो है पाकिस्तान का एक सिंगर, एंड वो भी यहाँ पे जो पार्ट जो मतलब उनका जो पार्ट था वो उन्होंने गाया था, जैसे कि उर्दू गाया था, एंड साथ में वो गाया था और भी कुछ पार्ट था उनका, जैसे कि वो गाया था गुजराती एंड नॉर्वे का सेकंड पार्ट था, मतलब कि गुजरात की कुछ लिरिक्स उन्होंने गाया है। अमंदा देलारा जो फीमेल सिंगर था, उनका पार्ट से ही फर्स्ट में शुरू होता है, जो एकदम स्लो मोशन का था, एंड उनका जो पार्ट था वो पहले में गया था नॉर्वे लैंग्वेज में, फिर बाद में उनका जो लिरिक्स था वो पर्शियन में गया था, मतलब कि ईरानी में, हाँ ईरान की पर्शियन लैंग्वेज राइट है, फिर पर्शियन लैंग्वेज में था। और जो कैफी खलील का जो पार्ट था फर्स्ट में, उनका पार्ट था हिंदी में, एंड बाद में वो बलोची में गया है, मतलब बलोची लैंग्वेज का था, मतलब कि फोर सिंगर वो बहुत सारा लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा करके पार्ट पार्ट करके लिरिक्स को गाया है, एंड पूरा की पूरा अच्छा मेलोडियस ब्लेंडिंग सॉन्ग है, जो मतलब कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक गाने में भाई उर्दू है, ईरानी लैंग्वेज मतलब कि पर्शियन है, उर्दू है, नॉर्वे का लैंग्वेज है, मतलब कि इंग्लिश है, थोड़ा इंग्लिश है क्या नहीं इंग्लिश है सॉरी इंग्लिश नहीं है, एंड पूरा है माने मतलब कि बहुत सारा लैंग्वेज मिला के ही एकदम खिचड़ी पका के बहुत ही ट्विस्ट वाला गाने हम लोगों को गिफ्ट किया है कोक स्टूडियो पाकिस्तान ने। वो बहुत ही अच्छा होता है भाई, कोक स्टूडियो पाकिस्तान जो भी गाने बनते हैं ना, बहुत है। जो लास्ट मैंने झोल एक गाना था वो गाने सुना है, पर मैंने रिएक्शन नहीं की, पर वो बहुत ही अच्छा लगा भाई गाने। तो मुझे ये गाने बहुत ज़्यादा मुझे मतलब कि एक अलग लेवल में मैं खो जाती हूँ गाने। तो यहाँ पे कैफी खलील का मुझे कुछ लिरिक्स बहुत पसंद है, जैसे कि जब तेरे शहर से गुजरते हैं तब तेरे दीदार पे मैं तरसती हूँ, ऐसा कुछ फिर बोला था कि तेरे तस्वीर को मैं लगा के गले, तेरे फिर से महफिल से हम निकालते हैं, ऐसे कुछ लिरिक्स था। वो लिरिक्स मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि थोड़ा सा इमोशनल वाइब आपको देगा, एंड कैफी खलील का वॉइस में, उनका वॉइस में इमोशनल सैड सॉन्ग बहुत ज़्यादा भाई, इमोशन मतलब कि सबको इमोशनली अटैक कर लेते हैं। एंड कैफी खलील का बहुत सारा मैंने गाने सुने इससे पहले, जैसे कि मनसूब और जुर्माना, एंड फर्स्ट टाइम सुना था कहानी, क्या बोलते हैं उसको,
कहानी सुनो 2.0, तो वहाँ से मैं कैफी खलील को पहचानती थी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये, मतलब कि पिया पिया कॉलिंग गाने बहुत खूब ज़्यादा था। एंड ये गाने में जो जो सिंगर था, जैसे कि करपे, जुल्फी, अमंदर दिलारा एंड कैफी खलील, सब मिला के इतना अच्छा गाने गाए हैं भाई, क्या बताऊँगी। मतलब कि आपको पसंद ही होना पड़ेगा, पसंद करना पड़ेगा, ये एक ऐसा ही गाना बना है। एंड जब और इतना ज़्यादा सब मजाक, मतलब कि मजाक करके एंजॉय करके गाने को बनाया है, गाने को गाया है, ये वीडियो देखने के बाद ही आप लोगों को पता लग जाए। एंड थैंक यू सो मच कोक स्टूडियो पाकिस्तान को कि इतना अच्छा एक गाने हम लोगों को गिफ्ट करने। जैसे कि मुझे लगती है ये बेस्ट सॉन्ग है सीज़न 15 का, ये बेस्ट सॉन्ग है अभी तक जितना सारा मैंने गाने सुनी हूँ, तो हाँ से सीज़न 15 का ये बेस्ट सॉन्ग है पिया पिया कॉलिंग। एंड यहाँ पे हर लैंग्वेज का यहाँ पे अप्लाई किया है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। सो जो भी हो, यह था रिएक्शन वीडियो। वीडियो का कैसा लगा प्लीज़ बता देना। सो आज मैं चली जाती हूँ।